अब लो, मैं तो पहले से ही इन पत्रकारों को और इन एजेंसियों को समझा रहा था कि भाई राजा कहते हैं कि ये दूध है तो दूध कहिए, अगर राजा कहते हैं कि ये दूध नहीं पानी है तो पानी कहिए, और जब नदी जिस दिशा में बह रही है तो उसी दिशा में जाइए। बाकी मीडिया भी तो आप देख रहे हैं कि राजा की हाँ में हाँ मिला रहा है, आपको क्या मची हुई है? अब देखिए, करवा लिया अपना नुकसान, पड़ गया रेड इनकम टैक्स का। खैर ये अलग बात है, लगातार बीजेपी की सरकार की नाकामियां उजागर कर रहे दैनिक भास्कर के दफ्तर पर भी एक तरह से छापा पड़ चुका है, और इसमें आप देखेंगे, और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश में भारत समाचार का, उनके भी दफ्तर पर आईटी का छापा डाला गया है। और याद रखिए, ये दोनों वही न्यूज़ चैनल हैं जो आप देखते हैं कि सरकारों की जो भी नाकामियां हैं यानी कि अच्छाइयां उन्हें दबा देता है एक तरह से। आप देखिए, इन्हें आप जानते होंगे, ब्रजेश भारत समाचार में काम करते हैं, बीरेन सिंह, ये कितनी खिंचाई करते थे, किसकी? राज महाराज साहब की बात कर रहा हूं, राजा साहब की बात कर रहा हूं। लीजिए, तो इनके घर पर भी आईटी का छापा डल चुका है। देखिए सबको, मतलब आप सोचिए, कोरोना में सबने कुछ है, मतलब तस्वीरें नहीं दिखा रहे थे, लेकिन आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर इस तरह की तस्वीरें पता नहीं कहां कहां से खोज के ला रहे थे। देखिए, हमारे राजा ने यह भी कह दिया कि ऑक्सीजन से किसी की डेथ भी नहीं हुई है। हमारे राजा ने यहां तक कह देगा आने वाले समय में कि कोरोना में किसी की डेथ नहीं हुई है, वो तो आपकी ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने हाथ में सुसाइड कर लिया, यानी कि आत्महत्या कर ली। तो इसी का नतीजा रहा है कि दैनिक भास्कर के भोपाल हो या फिर आपका नोएडा हो, राजस्थान में आप देखेंगे कई जगह आईटी का छापा, इनकम टैक्स का छापा डाला गया है। तो आप समझ सकते हैं क्यों डाला गया है, ना तो इतने आप लोग ना समझ हैं ना ही कोई और, ठीक है? लेकिन एक रिजल्ट बताता हूं आपको पत्रकारिता के, और इससे आपका क्वेश्चंस भी आता रहता है। बाकी तो मैंने वैसे ही दिखा दिया आपको कि आप लोग देख लीजिएगा कि सच बोलने का नतीजा क्या होता है। पत्रकारिता के लिए जो आप देखते हैं ना कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आपका जारी होता है, इसमें आपको 142वां स्थान मिलता है। कितना? 142वां स्थान मिलता है। और 2004 में आप देखेंगे 120वें स्थान पर थे आप लोग, 2005 में 106वें स्थान पर थे, वहीं 2014 में यूपीए की सत्ता जाने पर रैंकिंग 140 गिर कर पहुंच गई। कई लोगों को बुरा भी लगेगा इसमें कि हमारे राजा की कोई बुराई कर रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि एजेंसी भी राजा को बदनाम करने के लिए इंडेक्स जारी कर देती हैं। खैर छोड़िए, इसका उदाहरण मैं दे देता हूं आप लोगों को। राजा राजा है, राजा के बारे में कोई बुरा नहीं कह सकता है। और याद रखिए, राजा हरिश्चंद्र के बारे में सत्य मैंने नहीं सुना, लेकिन राजा, हमारे राजा हमेशा सत्य बोलते हैं। वो अगर कह दें कि ये कोरोना था ही नहीं देश में, ये तो विपक्ष ने कहां से क्या ला के खड़ा कर दिया, तो मैं वो भी मान लूंगा क्योंकि राजा ने कहा है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी क्लास में, मान लीजिए कि आपके कितने 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, उसमें से आपका नंबर आता है नीचे से आप लोग 142वां, या आप कह सकते हैं कि 92वां, ठीक है, या 93वां, 93, तो आप क्या कहेंगे? यानी कि अपने आपने अच्छी परफॉर्मेंस की है, यानी कि आपने अच्छे नंबर लाए हैं, नीचे से आप लोग टॉप कर रहे हैं, ऊपर से नहीं, नीचे से टॉप कर रहे हैं, यानी कि 100 नंबर का पेपर हुआ, उसमें से आपके
चार पांच नंबर आए तो क्या कहेंगे? आपने सही परफॉर्मेंस जो भी की है, आपने सही दिखाया, रिजल्ट रहा। तो ये है आपकी विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की कहानी। और याद रखिए, ये छोटे छोटे जो आपके देश में चलते रहते हैं ना, इन्हीं का रिजल्ट आप देखते हैं कि जो आपके इंडेक्स आते हैं उन पर साफ साफ दिखाई देखा है देता है आपको। इसी तरह आप लोग प्रेस स्वतंत्रता की, फिर ये आप देख लीजिए फ्रीडम इंडेक्स जो भी आते हैं, या फिर आप लोग डेमोक्रेसी इंडेक्स देखिए, उसमें भी हम लोग नीचे से ही टॉप कर रहे होते, ऊपर से टॉप करने का कोई बनता भी नहीं है, और दूर दूर तक अभी सोचिए भी ना, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि जब से 1857 के आसपास से आप देखते हैं कि ऐसी क्रांति हुई देश में, उससे पहले भी आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1857 की क्रांति को कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी मिला इतिहास में। उस समय भी आप देखेंगे गिने चुने लोग ही बोला करते थे, बाकी भी तो आप कह सकते हैं कि जिस धारा में अंग्रेज बहाना चाह रहे थे तो उसमें बह रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अंग्रेजों का साथ दिया तभी तो आप सोचिए कि 200 साल तक हमारे ऊपर राज किया। अगर भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ ना दिया होता तो कुछ कुछ गिने चुने लोग आपके ऊपर राज कभी ना करते। तो यह है, लेकिन यहां प्रॉब्लम दूसरी है। एक तो विपक्ष की नाकामियों और विपक्ष की कमियों की वजह से जनता को भुगतना पड़ रहा है। 8 महीने से आप देख रहे हैं कि आपके किसान बैठे हुए हैं, उन्हें हो सकता है कि आप में से कोई किसान ना मानता हो, क्योंकि शायद आप लोग अन्न या गेहूं के बारे में कुछ मालूम ना हो, आपके यहाँ डायरेक्ट कहीं से गेहूं आ जाता हो, या हो सकता है कि आप लोग गेहूं ना खाते हो, आटा ना खाते हो, तो ऐसा भी हो सकता है। 500 किसानों के करीब 500 उसमें डेथ भी हो चुकी है उनकी, लेकिन हमारे राजा को पता नहीं है, आपको मालूम है। लेकिन फिर भी राजा ठीक है, जो कहता है राजा वही बात मानिए, वरना आप समझ सकते हैं कि बाकी आप देख रहे थे। अभी दैनिक भास्कर की बात करें, दैनिक भास्कर तो इसने तो अभी आपने देखा है कि वो पेगासस सॉफ्टवेयर की बात हुई है, जासूसी कांड की। तो अभी देखिए, दैनिक भास्कर को पुराने समय में जाने की क्या जरूरत थी, आप ही सोच लिए। राजा की 2013 की कोई तस्वीर लगा दी और कहा कि ये किसी लड़की या कोई महिला की जासूसी करवा रहे थे राजा, तो उसी का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए था, राजा को बदनाम करने के लिए, बताओ। चलिए खैर छोड़िए, ये है आपकी लोकतंत्र जैसे आप लोग किताबों में पढ़ते हैं, ये है आपके मौलिक अधिकार जिन्हें आप संविधान के भाग 3 में पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 पढ़ते हैं आप लोग, विभिन्न तरह की तरह तरह की आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको अधिकार दिए गए हैं। लेकिन यहां एक बात और याद रखिए कि अधिकार केवल दिखाने के लिए हैं, मांगिए मत कोई, वरना आप पर भी इसी तरह के जुर्माना लगेंगे। और वैसे भी हमारे यूपी के महाराज जी ने, आप लोग समझते हैं इतने तो महाराज जी कौन है आखिर, उन्होंने साफ बोल दिया कि बेटा आंदोलन मत करना वरना तुम्हारी संपत्ति भी जब्त कर लो करवा लेंगे हम। समझ में आए? नौकरी मिल रही है चुपचाप लीजिए, और नहीं मिल रही है तो चुपचाप घर में बैठे रहिए, बस आपको वोट देना है, ठीक है। और विपक्ष भी आजकल बड़ा मजबूत है, रोड पर आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, अरे वो आप अलग, जेपी आंदोलन या उस समय के आंदोलन अलग थे वो नेता, वो रोड पर आंदोलन करते थे, सबके सामने दिखते थे। लेकिन आजकल आंदोलन ट्विटर पर होता है, फेसबुक पर होता है, सोशल मीडिया पर होता है, वहीं से आंदोलन करके बड़े बड़े नेता बन जाते हैं। तो वही है, उसी का परिणाम आप देख भी रहे हैं। लेकिन इतना क्लियर है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई मर रहा है, तो वो अपने कर्मों की वजह से मर रहा है, किसी और के कर्मों की वजह से नहीं। मैं नहीं जानता हूं पप्पू यादव का बैकग्राउंड, मुझे ना मालूम है, लेकिन आपने जब से होश संभाला होगा
सन 2013-14 से तो आप लोगों ने देखा होगा, बिहार के पप्पू यादव की बात कर रहा हूं मैं। उस व्यक्ति को मैंने देखा है कि बाढ़ हो कोई और समस्या हो, वो व्यक्ति हर समय मदद के लिए खड़ा रहा। लेकिन उसका हश्र क्या हुआ जब आपने देखा कि कैदियों को जेल से छोड़ा जा रहा था, तो उसे जेल में ठोक दिया गया, ठूस दिया गया। और आप सोचिए, इतने बड़े बिहार में जो लाखों लोगों की मदद कर चुका, कोरोना कोरोना महामारी के टाइम में सब घर में बैठे हों, किसी नेता को, किसी विधायक, किसी एमपी एमएलए या आप किसी भी बड़े नेता को आपने रोड पर देखा है चलते हुए कि लोगों की मदद कर रहा हूं? मैं तो इतना कहता हूं कि मान लीजिए अगर सोनू सूद अगर लाखों लोगों की मदद कर सकता है, उसके पास कोई नेतागिरी नहीं है, पॉलिटिशियन का सहारा नहीं है, तो आपके विधायक तो बहुत कुछ कर सकते थे। किसी व्यक्ति को ना तो ऑक्सीजन के लिए भटकना पड़ता अगर आपके नेताओं ने आपका कर्तव्य निभाया होता। लॉकडाउन के टाइम देखा आपने, कई रामायण देख रहे थे, कई महाभारत देख रहे थे। क्या आपको लगता है कि इस समय अगर भगवान राम होते तो क्या वो बैठ के इस तरह तमाशा देख रहे होते, घर से ना निकलते? तो इसलिए बोलता हूं कि हमेशा कि नेताओं पर उम्मीद रखना, मुझे लगता है कि ये अपने आप से आप लोग धोखा कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी भटक रहे हैं। और हम लोग बहुत पीछे पहुंच चुके हैं, अभी इसमें से निकलने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। इस सरकारों की बात नहीं कर रहे हैं, हर सरकार में आप देखेंगे ऐसा। मुझे लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री के बाद एक ही नेता मैंने देखा, शायद अटल बिहारी वाजपेयी काफी अच्छे थे। उसके बाद आप सोचिए कि जो गिरने का स्तर होता है वो गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। एक आप लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं कि जब उनकी पत्नी ने कहा कि शपथ लेने जा रहे थे कि धोती फटी हुई है, एक धोती सिलवा ले लीजिए, तो कहते हैं उन्होंने कहा कि हमारे देश का किसान फटी हालत में जी रहा है, मैं कैसे सही पहन लूं। एक प्रधानमंत्री के वक्तव्य थे। एक कहानी ना सुनी आपने तो, आपने वो कहानी जरूर सुनी होगी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद लाल बहादुर शास्त्री के, उनके बच्चों ने एक कार के लिए जिद की, प्रधानमंत्री के बच्चों ने, तो वो एक कार लेते हैं लोन पर और अपने जीते जी उस कार का लोन पूरा नहीं कर पाते हैं। उनकी डेथ के बाद, यानी कि उनकी मौत के बाद, इंदिरा गांधी उनका कर्ज माफ करते हैं। वो थे प्रधानमंत्री। समझे? आप सभी जानते हैं कि 1947 के जब आजादी आपको मिली, तो उसके बाद आपने देखा कितनी सारी समस्याएं खड़ी हुई थी हमारे सामने। उन समस्याओं से निपटने में कितनी मुसीबत सामने थी, लेकिन फिर भी निपटे गए, निपटा है उससे। तो वो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ले लीजिए, भीमराव अम्बेडकर साहब को ले लीजिए, गांधी जी को ले लीजिए, नेहरू साहब को ले लीजिए, और भी जितने नेता थे आप समझिए, सभी जानते हैं कि उस समय उन नेताओं की जो विचारधारा थी वो अलग थी, कई मुद्दों को लेकर उनके अपने मतभेद थे। लेकिन आपने देखा है कि जब नेहरू का मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें सरदार पटेल को भी जगह मिलती है, भीमराव अंबेडकर साहब को जगह मिलती है। ये थे नेता। अब खैर, अपना वोट देते रहिए, और मुझे तो नहीं लगता है कि इस वोट का कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने दिया आज इस विधायक को वोट है, वो जाके कल दूसरी पार्टी में मिल जाता है और परसों तीसरी पार्टी में मिल जाता है। और मैं इतना मानता हूं लेकिन कि अगर बीजेपी के जीतने में अगर प्रधानमंत्री साहब का 20% योगदान है, तो उन्हें जिताने में 50% योगदान विपक्ष का है, क्योंकि विपक्ष इतना कमजोर हो चुका है, इस तरह की बयानबाजी करता है कि और आसान उनकी राह बना देता है। उत्तर प्रदेश में देखिए, आपके 2022 में है ना,
अगर इस तरह से अपनी मलाई के लिए मरते रहे सब नेता, तो आसानी से आपकी आपके राजा जी की पार्टी या महाराज की पार्टी आराम से जीत जाएगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगे फिर से। इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर नेता आप देख रहे हैं कि मलाई के लिए केवल भटक रहे हैं। उन्हें जहां भी मलाई मिलती है वहां भी जुड़ जाते हैं। उन्हें ना तो किसी, आप समझिए, किसी के ऑक्सीजन से मतलब, ना किसी गरीब से मतलब। और एक बात सोचिए, एक परंपरा बन चुकी है हमारे देश में कि गरीब का मरना एक आम बात है। क्या है? आम बात है। अभी आपने देखा है कुछ आंदोलन भी चल रहे थे बच्चों के, तो योगी साहब ने एक डायरेक्ट उन्होंने फरमान जारी कर दिया। और भी आप देख सकते हैं इस तरह के जो भी हैं। और याद रखिए, दैनिक भास्कर हो या फिर आपका भारत समाचार हो, इन्होंने काफी उत्तर प्रदेश में आप देखिए आवाज उठाई है, उसी की सजा उन्हें मिल भी रही है। खैर छोड़िए, इनके पक्ष में आप देखिए, ट्विटर पर आप लोग खोल के देखिए, कई नेता पक्ष में खड़े हुए हैं। कहाँ? केवल ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर। धरती पर, जमीन पर आपको दिखाई नहीं देगा। ये सभी फालतू बातें थी। अभी तक जो भी बोलिए आप लोग, ना ध्यान दीजिए, आप जिसकी भक्ति में लगे हुए हो लगे रहिएगा, ठीक है? इतिहास की छोड़िए, देश की छोड़िए, बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। कोई फिर से भगत सिंह आएगा, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विवेकानंद, भीमराव अम्बेडकर दोबारा जन्म लेंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि ये कुछ न्यूज है, सुबह न्यूज पेपर पढ़ रहा था तो मुझे लगा बताना चाहिए। एक सबसे गलत बात यही है ना कि न्यूज पेपर पढ़ना पड़ता है, पढ़ता है, खुशी से नहीं पढ़ते हैं लेकिन पढ़ता है। खैर लगे रहिए अपना, एक क्वेश्चन तो आपका इसमें कंप्लीट करवा दिया मैंने बातों बातों में ही। कौन सा? 2021 में आप देखेंगे विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 122वां स्थान मिला है। ये क्वेश्चंस कई परीक्षाओं में पूछ लेता है। और याद रखिए, इसे इसे कौन जारी करता है इस इंडेक्स को? रिपोर्टर्स विदाउट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है? ये आप लोग याद रखिएगा।